5 राज्यों के मुख्यमंत्री और तकरीबन 18 पार्टी के नेताओं को बुला दिया, यही बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करने वाले देश में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने ऐसा करने का सोचा और कर पाए। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए बहुत समय है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जब तक माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा है। और जब तक नीतीश कुमार जी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है, कोई ऐसी बात है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 23 जून को बिहार में विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई। बैठक में सब लोग यह कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार कन्वेनर के तौर पे जो हैं वह होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पर मुहर नहीं लगी, बल्कि एक और ही अलग तस्वीरें सामने निकल कर आई। जब कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया कि जो भी चीज़ें तय होंगी वह शिमला में तय होंगी, जो कि 10 या 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसी में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू MLC रामेश्वर महतो जी। अब जिस तरह से नीतीश कुमार को कन्वीनर के तौर पे आप लोग कह रहे थे कि वो होंगे, अब कहाँ पे बातें अटक रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के धरती पे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और तकरीबन 18 पार्टी के नेताओं को बुला दिया, यही बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करने वाले देश में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने ऐसा करने का सोचा और कर पाए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक कन्वेनर की बात है तो वो मीटिंगें होंगी, सभी पार्टी की जो सहमति होगी होगा, लेकिन जो हमारे नेता ने इतनी बड़ी काम किया है, मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रामेश्वर जी, अब दबाव कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स से किया जा रहा है नीतीश कुमार पर, ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब नहीं चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बने रहें, जल्द से जल्द जो कुर्सी है वह तेजस्वी यादव को सौंपना। ऐसा कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से राज्य को चला रहे हैं और जिस तरह से राज्य का विकास हुआ है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सब लोग इसको सराहते हैं। मुझे नहीं पता ऐसी बात, कहीं से मुझे तो समझ में नहीं आया और ना कुछ पता चला। माननीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। जहां तक देश के राजनीति की बात है तो देश के तरफ उनको बढ़ना चाहिए। बिहार में जो विकास हुआ है, जो बिहार का विकास मॉडल है, देश को भी मिलना चाहिए, तो इसलिए वो देश के तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का भी यही शुभ मुहूर्त है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि फिर तो 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, और नीतीश कुमार गठबंधन में जब आए थे तो कई राजद के नेता ने यह कहा था कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री हैं, आगे फिर तेजस्वी यादव ही कुर्सी को संभालेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए बहुत समय है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जब तक माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा है। और जब तक नीतीश कुमार जी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा, कहीं कोई ऐसी बात है। देश की राजनीति करनी है, मुख्यमंत्री रहते हुए देश की राजनीति होगी, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कई खुले मन से भी कहा था कि आगे नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव करेंगे, और उत्तराधिकारी के तौर पे भी लोग कयास लगाने लगे थे कि तेजस्वी यादव ही। मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है अभी, ना मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा हो। जहाँ तक है मुख्यमंत्री जी अभी तो खुद इतना एक्टिव हैं, तो अभी कहाँ कोई बात है कि भाई भविष्य में कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, अभी तो खुद ही एक्टिव हैं, तो अभी क्या दिक्कत है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो कांग्रेस भी बना रही है। 23 जून की एक बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 2 राजद कोटे से होंगे, 2 कांग्रेस कोटे से होंगे। आखिरकार फिर ये चीज़ें कहाँ फिर अटक जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो रही है। कांग्रेस लगातार दबाव 2 मंत्री का और बना रहा है नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार फैसला लेंगे? जरूर लेंगे, तो वहाँ गठबंधन की आपस की बात है, बैठ के सभी नेता आपस में डिसाइड करेंगे, जो फैसला होगा होगा। सब माननीय मुख्यमंत्री जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे कहीं कोई इसमें कोई समस्या वाली बात नज़र नहीं आती है। और देखिए, बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं और बहुत लोगों में घबराहट भी है कि नेता नीतीश कुमार प्रदेश के साथ साथ आप देश के नेतृत्व के लिए बढ़ रहे हैं, इसलिए बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार से तमाम लोग अब क्यों कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके जो सबसे करीब बहुत नज़दीक जो नीतीश कुमार के नेता रहे हैं, धीरे धीरे करके अब वो अलग पार्टी में जा रहे हैं या फिर रास्ता ही बदल ले रहे हैं, कारण आखिर क्या है? जैसे
मेरे को पता नहीं किसकी बात आप कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह हो गए, मीना देवी हो गई, तो कई ऐसे नेता हैं जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास, उनके शुभचिंतक माने जाने वाले लोग उनसे अलग हो। देखिए, जो शुभचिंतक होंगे, बेहद खास होंगे, छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ लोग गए हैं तो सबका अपना अपना रास्ता होगा, राजनीति का सबका अपना अपना राजनीति है, कोई ना कोई सबने अपने अपने लिए रास्ते बनाए होंगे, तो उसके लिए भी कोई बात नहीं। जो हैं नीतीश कुमार के साथ वो हैं और रहेंगे, जो जिन लोगों का उनमें आस्था है उनको पकड़ के रहेंगे, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो संगठन का विस्तार किया उसमें भी कहीं चूक हुई है? संगठन में जो लोग पदाधिकारी अधिकारी के तौर पर हैं, तो क्या उनसे भी कुछ डिसीजन लेने में कुछ गलतियाँ हो रही है? मैं तो ये कहूँगा कि संगठन में अभी बात हो रही थी कि संगठन में जो लोग भी हैं उनको संकोच दिमाग से नहीं, खुले मन से, खुले दिमाग से चाहिए कि सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सभी लोगों को साथ लेके संगठन को मजबूत करें, जिससे पार्टी और नेता दोनों मजबूत हों। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू MLC रामेश्वर महतो का। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।